हरे कृष्णा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं गोवर्धन इको विलेज, जो कि मुंबई के जुहू इस्कॉन से 90 किलोमीटर दूर है। सुबह के 5:30 बजे हम घर से निकले थे। वसई खाड़ी के इस ब्रिज पे एक तरफ मून सेट हो रहा था तो दूसरी तरफ सनराइज हो रहा था, और देखते ही देखते हम पहुंच चुके थे खानीवाड़ी टोल प्लाजा। अगर आप मुंबई से बाई कार या जर्नी प्लान कर रहे हो तो आपको दो टोल पे करने होंगे, एक दहीसर का और दूसरा खानीवाड़ी का। और जैसे ही हम मस्तान नाके पर पहुंचे, हमने लिया ब्रेक, गर्मा गर्म चाय और मिसल पाव के साथ नाश्ता किया और निकल पड़े आगे की जर्नी पर। अगर आप पालघर से बाय बस आ रहे हो तो आपको मस्तान नाका पर ही शेयर ऑटो मिलेंगे। बट ऑन द वे हमें मिला ये खूबसूरत लेक, जहां कमल के फूल खिले हुए थे। और क्योंकि आज होली थी तो लोकल्स यहां रास्ता रोककर चंदा मांग रहे थे। और बस कुछ ही देर में हम पहुंच चुके थे गोवर्धन इको विलेज। पार्किंग यहां फ्री है और काफी अच्छी स्पेस भी है। एंट्री यहां पर फ्री है, लेकिन अगर आपने स्टे बुक किया है तो ये रिसेप्शन है जहां से आप चेक इन और चेकआउट कर सकते हो। एंट्री करने के कुछ ही देर बाद हमने देखा गोवर्धन अन्न क्षेत्र ललिता भवन, जहां पर दोपहर के 12:30 से 2:30 बजे तक आपको फ्री लंच अवेलेबल है। इस्कॉन के हर टेम्पल की तरह यहाँ पर भी आपको खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। स्वादिष्ट खिचड़ी का प्रसादम खाकर हम निकल पड़े गौशाला देखने। गौशाला के पास में है ये कैंटीन, श्रीनाथ जी कैफे और श्री राधा वृंदावन बिहारी टेम्पल। श्री राधा वृंदावन बिहारी का ये खूबसूरत टेम्पल देखने के बाद हम चले गए देखने श्री राधा मदन मोहन टेम्पल। इस मंदिर और मूर्ति की कुछ खासियत है जो हमें दर्शन करते वक्त पता नहीं था, बट कुछ देर बाद हमें प्रभु जी ने बताया कि मंदिर के पीछे की क्या स्टोरी है। आप यहां से अंदर जाएंगे तो 50 एकड़ भूमि पर वृंदावन हमने बनाया है, जहाँ पे कई सारे मंदिर है और कई सारी भगवान की लीला स्थलियां भी है, आप उसका भी दर्शन कर सकते। तो आपको छोटी स्टोरी जगह के बारे में बताता हूँ। आपने जब भगवान का दर्शन किया, ये दर्शन जो है भगवान के विग्रह जो है ये भी प्रतिकृति है। ओरिजिनल विग्रह जो है आज जयपुर के करौली नाम के गाँव में वापस स्थापित है, ये प्रतीका है उसका। तो वृंदावन में ये ऐसा ही मंदिर है मदन मोहन जी का, जैसा आप देख रहे हैं ओरिजिनल साइज है वृंदावन में भी। ऐसा कहते हैं कि हर जगह एक लैंडमार्क होता है, तो वृंदावन का भी एक लैंडमार्क है मदन मोहन मंदिर। अगर आप वृंदावन का कोई फोटो देखेंगे तो हमेशा आपको इस मंदिर का फोटो दिखने ही वाला है। ये मदन मोहन जी का मंदिर जो है वो वृंदावन का लैंडमार्क होता है। वहां पे जो विग्रह है मदन मोहन जी, उनको वहां से हटाया गया था क्योंकि 500 साल पहले वृंदावन में आक्रमण हुआ था मुगलों का, इस कारण से मूर्तियों को हटाकर वृंदावन मंदिर जयपुर ले जाया गया। तो
तो भगवान मदन मोहन जी जयपुर में निवास कर रहे थे। वहां पे बहुत बड़े राजा थे, राजा जयसिंह, जिन्होंने भगवान की स्थापना की थी वहां पर, और वो भगवान से अत्यंत प्रेम किया करते थे। इतना प्रेम किया था कि उनके बिना रह नहीं सकते, ऐसा उनका भाव था। उनकी एक बेटी थी राजकुमारी, उनकी वो भी भगवान से बहुत लगाव रखती थी। बचपन से ही भगवान के साथ ही खेला करती थी, भगवान के साथ खाना खाया करती थी, भगवान के मंदिर में रहा करती थी, इतना उनका लगाव था भगवान के प्रति। यहाँ तक कि रात को सोते समय भगवान के बाजू में सोए, इतना उसका प्रेम था। लेकिन वो राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हो गई, अब उसकी शादी की बारी आई, और जब उसकी शादी की बात चली तो वो मैं शादी नहीं करूंगी। कारण क्या था? क्योंकि सोचती थी कि मैं शादी करूंगी तो मुझे मदन मोहन से बिछड़ना पड़ेगा, ससुराल जाना पड़ेगा। तो कह रही इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी, बिना शादी तो चलेगा नहीं। उसने बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत बैक एंड फोर्थ सब चल रहा था। तो फाइनली राजकुमारी ने कहा कि एक शर्त पे मैं शादी करूंगी, अगर मेरे ससुराल में मदन मोहन जी आएंगे तो मैं शादी करूंगी। मतलब वो अपने ससुराल में मदन मोहन जी को ले जाना चाहता। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे, मैं भी भगवान से प्रेम करता हूँ। तो वापस दोनों में क्रॉस बन गया। तभी क्या करे, तो उनका एक मंत्री था, उसने लॉजिक एक दिमाग लगाया। उसने कहा राजा से कहा कि अगर सच में तुम्हारी बेटी भगवान से सच में इतना प्रेम करती है तो भगवान अवश्य उसके साथ जाएगी। तो ऐसा करते एक परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा में अगर वो पास हो गई, वो पास तभी होगी जब भगवान उसे फेवर करेगी। तो परीक्षा पास हो गई तो हम उसे ले जाने दे देंगे, नहीं तो यहीं पे भगवान रहेंगे। तो परीक्षा ये थी कि भगवान की मूर्ति जैसे कई सारी मूर्तियां बनाई जाएगी, सिमिलर सेम मूर्ति है भगवान जैसी, और उन मूर्तियों में से ओरिजिनल मूर्ति कौन सी है वो ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान की कई सारी डुप्लीकेट मूर्ति बनाई, उसमें ओरिजिनल मूर्ति रखी जाएगी, और उसको आंखें बंद करके आंखों पर पट्टी बांधकर ओरिजिनल मूर्ति आइडेंटिफाई करके फिर स्पर्श करना। तो राजकुमारी रात भर सो नहीं पाई, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान मदद करो। भगवान उसके सपने में आते हैं कि कितना मदद करो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पक्का मदद करूं। राजकुमारी जाती है, आंखों पर पट्टी बांधती है और हर एक मूर्ति को स्पर्श कर रही थी। तो जैसे ही वो ओरिजिनल मूर्ति के पास आती है तो आपने देखा होगा मदन मोहन जी के हाथ ऐसे होते हैं, भगवान का हाथ कैसा होता है, बांसुरी पकड़े ऐसे है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है। तो जब राजकुमारी ने हाथ यहाँ पर लगाया तो भगवान ने हाथ अपना ऐसा कर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, तो बांसुरी ऐसी थी, ऐसा करना बांसुरी टूट गई। तो तब से भगवान के हाथ की बांसुरी टूटी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भगवान की बांसुरी त्रिपुटी अवस्था में है, जो दर्शाता है कि भगवान ने अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए ये लीला प्रेरित करी, और तब से वहां पर भगवान के हाथ में टूटी हुई बांसुरी रखी जाती है। तो फिर बाद में फिर राजकुमारी जीत गई परीक्षा में, तो जब उसका विवाह हुआ तो भगवान जयपुर से फिर करौली नाम के गाँव में चले गए जहाँ पर उसका ससुराल था। तो तब से भगवान करौली में निवास करते हैं। तो ये मत सोचे कि भगवान की मूर्ति के पत्थर की है, ऐसा मत सोचे, वो साक्षात भगवान वहां पर है। बस यदि हम प्रेम से भगवान को देखते हैं, उनकी सेवा भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। ये इस मंदिर का विशेषता है। और दूसरा विशेषता यह है कि ये जो विग्रह है मदन मोहन जी, ऐसा कहते हैं कि ये विग्रह जो है आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के पर पोते वज्रनाभ ने बनवाया था। उस 5000 साल पुराने विग्रह पर ऐसा कहते हैं कि इतने चरणों का दर्शन करना मतलब साक्षात कृष्ण के चरणों का दर्शन करने जैसा। तो आप उनके चरणों का भी दर्शन कर सकते हैं। जब आप दर्शन करने आए, जो कि आपने नोटिस नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि जब भी कभी तीर्थ स्थल जाओ तो तीर्थ स्थान में दर्शन आंखों से नहीं होते, कानों से होते हैं। क्योंकि जब तक आपकी कथा सुनी नहीं थी, आपको पता ही नहीं था उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमेशा देखिए, धाम में जाना है तो सुनना है, अगर आप सुनेंगे तब आप देख पाएंगे। तो दर्शन किससे होता है, आंखों से कि कानों से? कानों से दर्शन होता है, आंखों से नहीं होता। आंखों से तो हमें केवल मूर्ति दिखेगी और कुछ नहीं दिखने वाला, तो कान से पहले सुनिए। इसलिए हमने पूरे वृंदावन कॉलेज में अलग अलग जगह पे भक्तों को स्थापित किया है, वहां पे भक्त आपको हर जगह का मार्गदर्शन करेंगे, कथा सुनाएंगे, प्रोवाइडेड आप सुनना चाहते हैं। अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे, अगर आप नहीं पूछेंगे तो कुछ नहीं बताएंगे, और फिर आपका केवल पर्यटन होगा, तीर्थ यात्रा नहीं होगी। समझ में आपको?
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे दर्शन करे, क्योंकि अभी आपने कान से सुना है। अब हम एक्चुअल में निकले हैं मिनी वृंदावन का दर्शन लेने, जहां पर आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोवर्धन पर्वत आदि के दर्शन होंगे।
अनएक्सपेक्टेडली बहुत इंजॉय किया हम लोग ने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।